वैसे पूर्व रविंद्र ने बेखूबी आपको सारी बात बोल दी और सारा शेष में बता दिया कि किस प्रकार से दो राष्ट्रीय पार्टी के और लोग चुनाव आपके सामने लड़े। साथियों, आज कांग्रेस और बीजेपी साठगांठ करे बैठे और पोल खुलेगी जब मानोगे मैं सही कह रहा था। आज करनाल में बोधा उम्मीदवार उतार दिया, ये सेटिंग करके ही खट्टर चुनाव जीते और यहां पर भी यही साठगांठ हुई। आज मैं पूछ रहा था मेरे को कौन कौन लग लिया अरविंद के साथ, तो पता चला जी ये भी नहीं लगा, ये भी नहीं लगा, ये भी नहीं लगा, खट्टर की टीम सारी बाहर। और देखो खट्टर कितना शाना है, रोज तक लोकसभा में मोदी की रैली नहीं रखने दी, वो आना ले गया, भिवानी ले गया, सेटिंग करके रोज तक छोड़ दिया। बुजुर्ग युवा साथियों, ये मौका आपके हाथ में है। आज कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को लोग हटाना चाहते हैं और हमने तो आपके बीच में आप जैसा एक कमेरा का छोरा मैदान में उतारा है। हमारा युवा का प्रधान है, मेहनती है, मगर जिस कठिनाई से इसका परिवार चला, आज मुझे लगता है दनिया गांव में ऐसा कोई एक घर नहीं होगा जो इसको अपने से जोड़ता ना हो, समझता ना हो। कि मेरी माताएं बहने आई, मैं तो आपसे पूछता हूं, हमने तो आपके लिए किया 50% पंचायती राज में हिस्सेदारी दी नहीं दी? आज सरपंच, मेंबर, ब्लॉक समिति, और आपकी किस्मत है आपकी तो सरपंच भी महिला है, आज 33% राशन डिपो में हिस्सेदारी दी नहीं दी? आज अति पिछड़े जो हमारे हैं, नाई है, तेली है, कुम्हार है, सुनार है, आज 8% उसको हिस्सेदारी दी नहीं दी? बुजुर्ग युवा साथियों, देखने की चीज है। आज पीला राशन कार्ड गांव में बन जाता है, बुढ़ापा पेंशन गांव में बन जाती है, आज इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट गांव में बन जाता है। और तो और ये बूढ़े बुजुर्ग बैठे, फर्ज लेने में कितना टाइम लगता था, हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीना, बताओ, अब 2 मिनट में कार्ड कटा लो सीएचसी से। ये सुविधाएं किसने दी? आपकी पार्टी ने दी। बीजेपी की 18 प्रदेशों में सरकार है, बुढ़ापा पेंशन 1200 भी नहीं है कहीं। एक मैं था आपका जो लड़ लड़के इसको 3000 ले गया, नहीं ले गया, आज 3000 आते होंगे बुढ़ापा पेंशन के। दुष्प्रचार करने वाले कर देंगे, 5100 नहीं कर पाए, 5100 तो इसलिए नहीं कर पाए, नसीब को चुनाव लड़ाया था रह गया, 10 आए थे, 6 उधारे थे, थे नहीं थे, अब तो सारे नाड़ी लाओ जब नहीं मान रहे थे। अगर उस टाइम 46 आ जाते तो 5100 हुई होती, नहीं हुई होती। मेरा निवेदन प्रार्थना है आपसे, किसान आंदोलन का दुष्प्रचार छेड़ दिया, एक धनिया गांव का 5 रुपए आंदोलन में दे के आए और पार्टी ने मना किया, वो पैसे नहीं दे, एक कार्यकर्ता धनिया गांव का आंदोलन में धरने में बैठ के आया, पार्टी ने रोका, बताओ। हमने सरकार में रहकर आपकी फसल को तुरंत खरीद की तकनीक बनाई, 2 दिन में उस फसल के पैसे आए, वो व्यवस्था बनाई, ताऊ और बैठे हैं। आड़ती से पीछे लाने में कितना जोर लगता था और आजकल आड़ती फोन करते हैं, पीछे दे जा, आगे होंगे खाते में। ये व्यवस्थाएं बन कैसे पाई? ये व्यवस्थाएं बन पाई क्योंकि राज में आपकी हिस्सेदारी थी। आज 20,000 किलोमीटर सड़कें दुरुस्त हो पाई, आज गांव में सरपंच साहब और है, पहले एसएफसी का पैसा नहीं आया करता था, अगर आज दुनिया की 2000 की आबादी है तो 40 लाख रुपया गांव के सीएचएफसी का पैसा खाते में आया, ये व्यवस्था मैंने बनवाई। साथियों, आज समझो देखो कि मोदी की गारंटी 400 पार की थी, 15 दिन हो गए टीवी पे 400 पार बोलना छोड़ दिया, घबराहट है, 200 भी नहीं पहुंच रहा। और हुड्डा का तो पुत्र मोह इतना है, कांग्रेस बर्बाद कर दी,
करण दलाल रिश्तेदार था, फरीदाबाद से टिकट मांग रहा था, टिकट काट दी। अपने ग्वाल्ड है रेवाड़ी का, तो कैप्टन अजय टिकट मांग रहा था, नहीं मांग रहा था, उसकी काट दी छोरे के लिए। इधर भिवाड़ी पड़ते हैं आपके, किरण चौधरी अपनी छोरी की टिकट मांग रही थी, नहीं मांग रही थी, उसकी काट दी। इस हार लोकसभा में वो विजेंद्र बेचारा बीजेपी का पटका छोड़ के रात ने कांग्रेस का पहन के आया, ये सोच के कि भूपेंद्र हुड्डा तो मामा लागे बचा लेगा, टिकट दिलवा देगा, उसकी भी काट दी। और तो और कुलदीप शर्मा तो गाड़ी में बैठता है इसकी, काली चश्मे पहन के, करनाल से कुलदीप शर्मा टिकट मांगे था, उसकी भी काट दी। अभी कांग्रेस की रांद काटनिया है, नहीं है, ये कांग्रेस का सत्यानाश करके छोड़ेगा। सिर्फ एक लालच में छोरा जीत जाना चाहिए, छोरा जीत जाना चाहिए। अरे इस छोरे की जीत में भी सेटिंग है, समझो, अगर छोरा गलती से जीत गया राज्यसभा की सीट खाली होगी, नहीं होगी, 40 विधायक किसके, बीजेपी के, राज्यसभा में वो भर लेंगे, एक दोगे एक लोगे, फायदा किसका हुआ। ये तो ईडी सीबीआई के डर से बीजेपी को फायदा देने के लिए चुनाव लड़ रहे। मैं तो आपसे अनुरोध विनती करता हूं, मौका आपके पास है, थोड़े कड़े हो जाओ, जैसे हाथ ठाए थे रविंदर के समर्थन में, ऐसे गांव ने डोर टू डोर कर लियो, ग्वांड में डोर टू डोर कराओ, एक 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 वोट की चुगाई कर लियो। 6 दिन रह गए कल से, इसका साथ दे दो, 6 दिन में इसको सांसद बना दो, देखियो कैसे आपकी पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ेगी। मुझे एमपी बनाया था, ट्रैक्टर को कमर्शियल व्हीकल बना दिया था मोदी ने, मैं पार्लियामेंट में 1 दिन नहीं 30 दिन ट्रैक्टर लेके गया, गाड़ा बना नहीं बना। आज ट्रैक्टर 2700 रुपए में रजिस्ट्रेशन हो जाती है, 1,25,000 में होता अगर कमर्शियल व्हीकल बन जाता। कि जितनी टोल वाली सड़कें हैं ट्रैक्टर आता जाता है फ्री में, अगर कमर्शियल व्हीकल बन जाता साथियों तो 500 रुपए 700 रुपए कमर्शियल चार्ज देना पड़ता। ये चीजें प्रचार की है। दीपेंद्र तो पार्लियामेंट में गया, 2 फुट का आलू उगा के आया था, नहीं आया था, ये किचन वाली सारी मेरी ताई दादी बैठी है, कभी 2 फुट का आलू सुना भी है? ये सामने नसीब भेज देगा सबके मोबाइल पर, कहता हमारे रोहतक में 2 फुट का आलू उगा देते हैं। और दूसरा अरविंद शर्मा, कभी एक बार भी अरविंद शर्मा को रोहतक की आवाज उठाते पार्लियामेंट में सुना है? आज ये चीज बात करण की है, ये दोनों किसी के सुख दुख में भी कभी आए हो साथियों? ये चीज घर घर जाके बताओ, इस चीज का प्रचार करो, और मजबूती से इस चीज का प्रचार करोगे तो अगले 6 दिन में माहौल देख लियो, जैसे चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे, हवा बनाओ, हवा बनेगी तो राह जाएगा इसकी, अब हवा बना दो, इसको सांसद बना दो, ये अब लड़ाई आप लोगों की। मैं तो यही विनती प्रार्थना आज आपके बीच में करने आया था। मैं सारी युवा टीम का, नसीब का और सबका, जो आज इतने जोश में यहां लेकर आए, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मेरी माताओं बहनों से कहूंगा, 50% वोट थारे हैं, मैंने तो 50% रिजर्वेशन दे दी, हिस्सेदारी दे दी, आरक्षण दे दिया, मेंबर बन गई पंचायत में, सरपंच बन गई, अब 50% वोट एक साथ हो जाओ, इस छोरे ने जिता दे। अगर चूल्हे पे प्रचार कर दोगे, और चुनाव चिन्ह भी ऐसा नहीं है जो किसी के पास ना हो, चाबी तो सबके पास है नहीं है, मानसों में तो फिर भी को नहीं छोड़ो, इस तरफ तो सबके पास चाबी मिलेगी। अब घर घर चाबी लगाया हो, चूल्हे पे जाके चाबी का प्रचार कराओ, ये छोरा सांसद बन जाएगा, तारी सेवा में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।